The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what is a nail fungus? Remember guys, fungal infection jab aapke nail mein ho jata hai, वो एक बहुत कॉमन कंडीशन है. लेकिन चालू कैसे होता है? ये चालू होता है एक वाइट या येलो कलर का स्पॉट होता है पहले आपके नेल में. सफ़ेद या येलो कलर का कोई स्पॉट आने लगेगा नेल में या टो नेल में या फिंगर नेल में. और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, डीप होता जाएगा, वैसे वैसे नाखूनों का फंगस जो है वो नेल का कलर चेंज करेगा. सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है कलर चेंज ऑफ योर नेल्स. एंड नेल जो है वो थिक होता जाएगा, कलर चेंज एंड मोटा, थिकनेस बढ़ती जाएगी और एज पे क्रम्पल होता जाएगा, यानी कि उसका शेप खराब होते जाएगा. सो ये एक से ज़्यादा नेल्स में हो सकता है. ये बहुत कॉमन है और काफ़ी सारे लोगों को आपके आसपास आपको देखने को मिलेगा और पैरों में ज़्यादा कॉमन है. और अगर ये कंडीशन माइल्ड है और आपको कोई दिक्कत नहीं दे रही है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती, ज़रूरत है आप छोड़ दोगे. और अगर ये नेल फंगस में दर्द होने लगा, पेनफुल होने लगा है, तो फिर ये इतना थिक हो गया है, इतना दिक्कत आने लग गई है कि ये आपको जूतों में चलने फिरने में प्रॉब्लम करने लगा है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तब फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है. इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं ओनाइकोमाइकोसिस. एंड दिस नेल फंगस जब आपके स्किन के एरिया में भी इन्फेक्ट कर सकता है, अगर वो नेल के आसपास के स्किन एरियाज में इन्फेक्ट करने लगे, तब इसको कहते हैं एथलीट्स फुट. जी हाँ, एथलीट्स फुट यानी टीनिया पेडिस इसकी को कहते हैं, जब ये आपके फिंगर को इफेक्ट करेगा पैर में, पैर के फिंगर्स को, ना कि नेल को. सिम्टम्स, नेल मोटा हो जाएगा, कलर चेंज करेगा, पहले वाइट फिर येलो फिर और ज़्यादा डार्क कलर भी हो सकता है, फिर वो ब्रिटल हो जाएगा, फट से टूटने लगेगा, क्रम्पल होगा और डिस्टॉर्ट हो जाएगा शेप में, डार्क कलर आने लगेगा और इवन स्मेल कर सकता है. नेल फंगस फिंगर नेल्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं. सो डॉक्टर को जरूर देखें, डॉक्टर को जाके देखें, दिखाएं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नेल फंगस के कॉज क्या है. ऑब्वियसली देयर इज अ फंगस कॉल्ड डर्मेटोफाइट. डर्मेटोफाइट सबसे कॉमन है और यीस्ट और मोल्ड भी फंगस ही होते हैं जो ये नेल फंगस को इन्फेक्शन कर सकते हैं. मगर ये नेल फंगस किसी भी उम्र में हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन इन एडल्ट्स. राइट, बच्चों में नहीं देखा जाता, एडल्ट्स में देखा जाता है, क्योंकि बच्चों का नेल्स का ख्याल तो माँ बाप खुद रख लेते हैं, खुद का नेल कभी देखते नहीं है ना, होता ऐसा है, छोड़ो कौन देखे. सेम थिंग हैपन्स विद एवरीबॉडी. सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इग्नोरेंस होता जाता है, वैसे वैसे चांसेस ऑफ हैविंग यू विथ नेल फंगस बिकम्स मोर. राइट, ब्रिटल एंड ड्राई होने लगेगा नेल, उसके वजह से क्रैक आने लगेगा नेल्स में, फंगस और अंदर घुस जाएगा और इवन नेल में ब्लड सर्कुलेशन कम कर सकता है और वहाँ पर नेल उखड़ भी सकता है. टो नेल में इन्फेक्शन हो जाना अपने आप में बहुत कॉमन है. कभी कभी ये ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है, कि पहले हुआ है एथलीट्स फुट, पहले हुआ है स्किन में इन्फेक्शन, फिर वो नेल में चढ़ा गया. सो दैट कैन ऑल्सो हैपन, बट ये अदर वे राउंड भी हो सकता है. ठीक है, दैट इज हाउ इट इज. सो किसको होगा? जिसकी उम्र ज़्यादा है. ओ, रिस्क फैक्टर्स नंबर वन, इफ यू आर ओल्ड इनफ, अगर ज़्यादा उम्र है तो बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर ओल्ड इनफ बीमार, बुढ़ापे में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और कई सालों से आपके यू नो केयर सब कम होती जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है अगर, तो भी आपको रिस्क होगा, चाहे यंग हो चाहे कुछ भी. आपकी एथलीट्स फुट की हिस्ट्री है तब भी, मान लीजिए आपका आप नंगे पैर चलते हो, भाई सबसे बड़ा कारण घनघोर नंगे पैर चलने वाले लोग, नंगे पैर चलते हो तब और गीले इन्वायरमेंट, डैम्प इन्वायरमेंट में चल रहे हो, बिकॉज फंगस लाइक्स वेट एरियाज. ओके, फंगस को चाहिए पसीना, फंगस को चाहिए मॉइस्चर. तो जहाँ पे भी फंगस ड्राई होगा वहाँ फंगस नहीं होगा, जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ फंगस होगा. सो कम्युनल एरिया, स्विमिंग पूल, जिम, शावर रूम्स में नंगे पैर चलने वाले एक बंदे दूसरे को फैला सकता है फंगल इन्फेक्शन. एथलीट्स फुट, इसीलिए कहा जाता है कि एथलीट्स ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, एथलीट्स एक से दूसरे को ऐसा फैला देते हैं आपके फंगल इन्फेक्शन. सो
उसके बाद में अगर आपके स्किन नेल कहीं पर भी माइनर इंजरी हो जाए, चोट लग जाए या किसी प्रकार की सोरियोसिस जैसी बीमारी है तो भी आपको ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे बीमारी फंगल इन्फेक्शन होने के। डायबिटीज़ हो, सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो, स्मोकिंग करते हो, इम्यूनिटी इश्यूज़ हैं तो भी आपको ये बीमारी जल्दी पकड़ लेगी। सो दीज आर द रीजंस व्हाई यू कैन हैव दीज प्रॉब्लम्स। अगर बढ़ के दिक्कत होते गई बढ़ गई तो भी क्या होगा, सीवियर से सीवियर परमानेंट डैमेज हो जाएगा आपके नेल में, सीरियस इन्फेक्शंस नेल से फीट में फैल सकता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, डायबिटीज़ वायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में कभी कभी बॉडी में फैल सकता है। तो वो एक रेयर है बट कॉम्बिनेशन। सो इफ़ यू हैव डायबिटीज़, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, नर्व सप्लाई कम होता है, तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का भी रिस्क होता है कि एक बार तो हुआ ही हुआ इन्फेक्शन, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हो गया, फंगस के बाद बैक्टीरिया आ गया, तो दोनों के दोनों वहाँ पर खिचड़ी बना रहे हैं और आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स या स्मोकर्स। सो क्या करो, प्रिवेंट कैसे करो, ट्रीटमेंट तो मैं बताऊंगा लेकिन प्रिवेंशन समझ लो भैया। पैर और हाथ को अच्छे से रेगुलरली धोना है और देखना है और मॉइस्चराइज करना है। सिर्फ हाथ में मॉइस्चराइज करने से नहीं होगा, पैर तक मॉइस्चराइज करना है। मालिश कर सकते हो तो हफ्ते में एक बार पैरों की हाथों की मालिश करिए, बढ़िया मॉइस्चर मेंटेन रखिए, खूब सारा पानी पीजिए ताकि ड्राइनेस मॉइस्चर रखे लेकिन ज़्यादा भी नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट राइट। पानी भी ठीक ठाक पीना है। नेल्स को ट्रिम करना है बढ़िया से, बहुत ज़्यादा पतले नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखना है। और स्वेट एब्जॉर्बिंग सॉक्स पहन सकते हैं जो आप पूरा दिन पहन सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, ताकि वहाँ से स्वेट एब्जॉर्ब हो जाए। सॉक्स बीच बीच में चेंज करें अगर वो गीली हो जाए, शूज़ अगर पुराने हो गए हैं तो उसको बदल दें, या फिर उनको डिसइंफेक्ट करें एंटीफंगल पाउडर डाल के आप शूज़ में, जी हाँ डिसइंफेक्ट कर सकते हो एंटीफंगल पाउडर। फुटवेयर ज़रूर ज़रूर पहने, इवन एक अगर आप कोई लॉकर रूम में हो, स्विमिंग एरियाज में हो, कोई भी, तो चप्पल ज़रूर पहने भैया, चप्पल बचाएगी आपको। चूज अ नेल सलून जो स्टराइल मैनिक्योर टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, नेल पॉलिश और आर्टिफिशियल नेल्स वेल्स ना लगाएं अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आपको खासकर ऐसा कोई भी दिक्कत है तो, वरना वो आपका ठीक तो होना दूर फैल सकता है। सो अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत पड़ गई तो क्या होगा, देखो डॉक्टर क्या करेगा, देखते ही बता देगा ये तो भैया फंगल है, फंगल नेल इन्फेक्शन है, कुछ नहीं और कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें एक ही कंडीशन है जो फंगल नेल इन्फेक्शन को मिमिक कर सकती है, दैट इज सोरियासिस, और कुछ नहीं राइट। फंगस में चाहे वो डर्मेटोफाइड हो, चाहे यीस्ट हो, चाहे मोल्ड हो, चाहे कैंडिडा हो, डजंट मैटर, एंटीफंगल इन्फेक्शन, एंटीफंगल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऐसे केसेस में आपको क्रीम व्रीम काम नहीं करेगी, याद रखिए नेल इन्फेक्शन है, फंगल नेल इन्फेक्शन में क्रीम काम नहीं करेगी, आपको टैबलेट ही लेनी पड़ेगी। सो टैबलेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, एंटीफंगल टैबलेट, ओरल एंटीफंगल मेडिकेशन लेनी पड़ती है जो कि थोड़ा लंबा चलती है। कई बार इसमें देर आर सो मैनी ऑप्शंस, बट टर्बिनाफीन, इट्राकोनाजोल ऐसी दवाएं, फ्लूकोनाजोल ऐसी दवाएं यूज़ हो सकती है, एंटीफंगल क्रीम राइट। और कई बार इसको फिर कंबाइन कर सकते हैं टॉपिकल यानी ऊपर से लगाने वाली क्रीम से, लेकिन अकेले ऊपर से लगाने वाली क्रीम से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, रिमेंबर दैट ओके। देन टॉकिंग अबाउट एंटीफंगल क्रीम के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत स्किन रैश आना, लिवर पे डैमेज होना, इसलिए बहुत लंबे समय तक इसको बिना किसी डॉक्टर के सलाह के खतई भी नहीं लेना है राइट। टिपिकली इसको कई बार 6 से 12 हफ्ते तक लेना पड़ सकता है, जी हाँ ये लंबा समय है, 6 से 12 हफ्ते मतलब 1.5 से 3 महीने तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो जब तक आपकी प्रेजेंट कंडीशन अलाउ नहीं करती ये सब नहीं किया जाता, क्योंकि फंगल नेल इन्फेक्शन से वैसी जान जाने वाली नहीं है, तो अननेसेसरी लिवर डैमेज ना करें, अननेसेसरी दवाई ना लें, अनलेस एंड अनटिल हम ले सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हम सेफ हैं। अगर दूसरी चीज़ें तीसरी चीज़ें लिवर डैमेज कर रही हैं उसके साथ इसकी मिक्सअप करना मुश्किल है। कई बार ऐसे में मेडिकेटेड क्रीम्स ही लगाई जाती है ऊपर से, इस उम्मीद में कि थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन मेडिकेटेड या किसी भी प्रकार की क्रीम के, सिर्फ क्रीम से फंगल इन्फेक्शन नहीं जाता बिना ओरल मेडिकेशन से। ओरल मेडिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे में उसके साथ यूज़ की सकते हैं, कर सकते हैं मेडिकेटेड एंटीफंगल नेल पॉलिश या फिर एंटीफंगल नेल क्रीम, हाँ जी हाँ ये आते हैं। और सर्जरी भी पॉसिबल है, जब बहुत ही बड़ा नेल होता है, बहुत ही
डिस्टॉर्ट हो गया, बहुत ही आड़ा टेढ़ा हो गया, तो उसको सर्जिकली नेल को निकाला जा सकता है। फिर उसके ऊपर क्रीम ज़्यादा बेहतर काम करेगी क्योंकि वो नेल अंदर जाने ही नहीं देगा ना दवाई को। सो पूरा सर्जिकली नेल रिमूव करा जा सकता है, और ये खासकर उनमें करा जाता है जब मेडिकेशन से वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, या फिर वो दर्द या दर्द ज्यादा कर रहा है, एक्सट्रीमली पेनफुल है, उन कंडीशंस में ये किया जाता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट नेल। अगर आप होम रेमेडी चाह रहे हो तो ओवर द काउंटर अपने तरफ से फंगल एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हो और ट्रिम करके नेल को फाइन रख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं रखने हैं। रिमेंबर दिस कि अगर बहुत अर्ली स्टेज में है तो ही वो इस तरीके से काम करेगा, वरना आपको दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी। रिमेंबर दिस, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, and don't forget to watch other videos. हमारे बहुत सारे videos हैं fungal topic पे on YouTube, आप ज़रूर उसको देखो और like करो, subscribe करो, share करो, that's what we need from you. Thank you so much, stay connected, stay healthy. All right.